हरिद्वार के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रैन बसेरे का निरीक्षण किया और क्षेत्र के लोगों से वार्ता की, साथ ही नगर क्षेत्र में अलाव की स्थिति भी जानी। डॉक्टर अग्रवाल ने लोगों को रैन बसेरे की जानकारी दी और इसके लिए स्लोगन बोर्ड भी लगाए, इससे जरूरतमंद व्यक्ति को रैन बसेरा उपलब्ध हो सके। सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 20 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इस पर मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने अलाव की व्यवस्था को सुचारू रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर इसकी संख्या बढ़ाने के लिए निर्देशन दिए। देखिए, अभी मैं CCR के पास जो रैन बसेरे हमारे नगर निगम द्वारा संचालित हैं उसका मैं निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और मैंने पाया कि जो वहाँ पे रैन बसेरा में, चाहे पुरुष की साइड में या इधर महिला की साइड में, 5 लोग वहाँ थे और 5 लोग यहाँ थे। तो मेरे द्वारा उनसे जानकारी ली गई, क्या वो उनसे कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा, उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार की कोई शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई। साथ में मेरे द्वारा जो यहाँ उपस्थित हैं SNA नगर निगम के, उनसे जानकारी ली गई कि पूरे इस क्षेत्र में कितने अलाव जलाए जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी अलाव जला है, 20 अलाव अभी तक जैसा इनके द्वारा जानकारी दी गई है। बस मैंने इतना ज़रूर कहा है कि जो अन्य लोग हैं जो अभी सड़कों पर हैं, उनके पास भी सूचना होनी चाहिए कि रैन बसेरे उनके लिए सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा यहाँ उपलब्ध हैं, तो वो अपना कम से इतनी कड़ाके की ठंड में वो यहाँ पे उसका आसरा ले सकते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी छोटे-छोटे होर्डिंग या इस प्रकार के लगाएंगे, यानी प्रचार प्रसार होगा, जिससे वो रैन बसेरे में आके रुक सके। और इतने ठंड में बचने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, मैं उसी नाते आज यहाँ देखने के लिए आता।